क्वेश्चन एट को जरा देखिए द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आई मस्ट से कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्या दे रखी है इक्वेशन हमें वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स ये है बट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू यानी जो dy वाई बाई डी एक्स का कॉफिशियंट है ना वो वन होना चाहिए तो हम बना देंगे पूरी दोनों तरफ वन माइनस एक्स स्क् से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा dy वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा x अपॉन वन माइनस एक्स यहाँ पे बचेगा y एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ तो जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई वाई के जो मल्टीप्लाई में है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क् इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है e की पावर पी टी एक्स यानी p का इंटीग्रेशन e की पावर में कर देना है तो यहां पे आ गया e और ये आ गया x अपॉन वन माइनस एक्स स्क् नीचे वाली टर्म का यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें तो माइनस का 2x होगा तो मैं इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू से डिवाइड कर देता हूं अब हमारे पास फॉर्मूला है कि वन अपॉन ऊपर यदि एफ डैश एक्स है नीचे एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी तो हमने यही कर लिया है कि नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो यहां पे आ जाएगा ई e की पावर माइनस वन बाई टू लॉग वन माइनस एक्स स्क्र अब आप समझो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एम की पावर एन इक्वल होता है एन लॉग एम यानी जो फंक्शन की पावर है वो आगे आ जाती है या फिर जो आगे पावर दे रखी है उसे हम फंक्शन की पावर बना सकते हैं तो यहां पर ये फंक्शन की पावर बन जाएगी ई e लॉग वन माइनस एक्स स्क् की पावर माइनस वन बाई टू इसे लॉग कैंसिल हो गया वन माइनस एक्स स्क् की पावर माइनस वन बाई टू नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और पावर वन बाई टू का मतलब होता है रूट तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्र केवल आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है फिर वहाँ से आपको P निकाल देना है और जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर लेंगे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी